इतना तो बहुत है। सही कह रहे हैं सर आप, इतना बहुत। कहाँ से है? कल्याणपुर से है, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता। कब आया? साथ में करना है, साथ में दोनों पाई। आप ना कल्याणपुर से आ। क्या है, क्या मामला, क्या है? आज एक सूचना पुलिस को प्राप्त हुई थी रावतपुर से, पंकज कटियार नामक व्यक्ति के साथ कोई घटना हुई थी। उस घटना पे जब चौकी इंचार्ज रावतपुर भुलेंदर चतुर्वेदी वहाँ पे पहुँचे हैं, तो ये जानकारी हुई कि पंकज कटियार सन ऑफ उमाशंकर कटियार के साथ लूट की घटना हुई है। कुछ लड़कों ने लूट की घटना की है, उनमें घायल भी किया है उनको। एक लड़के को विकी गुप्ता नामक के लड़के को पुलिस और पब्लिक की मदद से पकड़ लिया गया है। उसी को काबू करते हुए जब चौकी इंचार्ज और साथ के जो सिपाही उनको थाने की तरफ लेके आ रहे थे, तो दलहन पुलिया के पास इसी के दो साथियों ने उनकी बाइक में टक्कर मारी है, फायर भी किया है वहाँ पर, और विकी गुप्ता को छुड़ाते हुए अपने साथ चले गए हैं। इसकी सूचना तत्काल सेट के माध्यम से फ्लैश की गई, पुलिस की कई टीमें उस क्षेत्र में रवाना की गई। और पुलिस जब पीछा कर रही थी तो मकड़ीखेड़ा जो रोड है वहीं पे इन अपराधियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग की गई है, वहाँ पुलिस से मुठभेड़ हुई है। इसी में जो इसके दो साथी थे वो भागने में कामयाब रहे हैं, लेकिन विक्की गुप्ता जो मेन इसमें इस घटना में शामिल था, उसके पुलिस मुठभेड़ में उसके पैर में गोली लगी है, उसको हिरासत में लिया गया और हेलट में उसको इलाज के लिए लाया गया। जो इनके द्वारा भुलेंदर चतुर्वेदी जी को मोटरसाइकिल से जब टक्कर मारी गई थी तो उनमें उसको चोटें आई हैं, जिनका मेडिकल करवाया जा रहा है। सूचना के बाद कितनी टीमें लगा दी गई कल्याणपुर क्षेत्र में? जरिए तत्काल जैसे ही सूचना उस पर फ्लैश हुई है तो जो भी पुलिस की टीमें थी सबको तत्काल रवाना करने के लिए वहाँ बोला गया था। कई जगह से तत्काल रवाना हुई थी और अपने अपने क्षेत्र में जो कॉम्बिंग करने के लिए वहाँ से टीमें पहुँच रही थी। दो लोगों की तलाश में क्या कर रही थी? पुलिस के द्वारा टीमें वहाँ पर रवाना कर दी गई हैं, इसकी गहन पूछताछ की जाएगी। इसके द्वारा जो भी सूचना हम लोगों के पास आएगी उसी के आधार पर जो बाकी के अपराधी जो फरार हैं उनको गिरफ्तार जल्द से जल्द किया जाएगा।